Welcome to the Department of Plant Pathology. Myself, Dr. Savita Ekka from the department. And today I am going to talk about the diseases of pulses and their management and some diseases of fruit crops. As we know that the major pulse crop grown in Jharkhand are in Kharif season, arhar and urd and mung bean. In arhar, three major diseases are wilt, phytophthora blight, sterility mosaic, whereas in urad and mung bean, the incidence of web blight, cercospora leaf spot and mosaic. First of all, the wilt of arhar. The symptoms appear during 4 to 6 week old plant up to flowering and podding. As we know that the first initial symptoms of the wilt is sudden drooping of leaves. सबसे पहले हमको फील्ड पर दिखाई देगा कि अचानक से हमारा अरहर का पौधा जो है वो ड्रूप कर जाता है. ड्रूपिंग करने के एक दो दिन के बाद में हम देखते हैं कि ये पत्तियों का जो रंग होता है वो पीले रंग का होने लग जाता है और ये पत्तियाँ जो है वो पेड़ से झड़ने लग जाती हैं. ये क्यों होता है विल्ट? विल्ट चूँकि एक सॉयल बॉर्न पैथोजन फ्यूजेरियम उडम से होता है अरहर में, जो कि क्या करता है ये प्लांट में, ये जाइलम रूट से ये एंटर करता है और जाइलम वेसल को ब्लॉक कर देता है. जाइलम वेसल को ब्लॉक करने से क्या होता है कि प्लांट जो है वो पानी का, वाटर का अपटेक नहीं कर पाता है. तो सबसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हम विल्ट में, ऐसे तो विल्ट अरहर पे और तरह के भी जैसे रूट रॉट भी आता है, लेकिन सबसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम विल्ट के केस में या फ्यूजेरियम जब भी विल्ट कॉज करता है तो उसका सबसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कि जैसे ही हम उसके जाइलम वेसल को स्प्लिट ओपन करेंगे, वो वेसल जो है उसमें ब्लैक कलर का डिसकलरेशन दिखाई देगा. यही सबसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है फ्यूजेरियम का. अब तो ये डिजीज़ हो गया जैसे, तो बच्चों आप क्या बताएंगे किसान को? आप बताएंगे सबसे पहले कि हमको ये अवॉइड करना है कि हम हर साल एक ही फील्ड पर अरहर की खेती करें. इसको हमको अवॉइड करना है. हमको 3 से 4 साल का क्रॉप रोटेशन इसमें फील्ड पर अपनाना होगा. ये तो सबसे पहला बात हुआ. दूसरा, अगर हम मिक्स क्रॉपिंग करेंगे अरहर का शॉर्गम के साथ में, तो भी विल्ट का इंसिडेंस जो है वो कम होता है. इसके अलावा आप बताएंगे कि जब भी हम अरहर लगा रहे हैं, अरहर के सीड को हम ट्रीट करेंगे सिस्टमिक फंजीसाइड कार्बेंडाजिम से, जिसका डोज होना चाहिए 2 ग्राम प्रति केजी पर केजी सीड, और नहीं तो फिर बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हर्जियानम से, और इस पे इस बायो एजेंट का मात्रा होना चाहिए 4 ग्राम पर केजी ऑफ सीड. इसके अलावा कुछ रेसिस्टेंट कल्टीवार्स हैं जिसको लगा करके भी हम अपने फील्ड से ये विल्ट का इंसिडेंस को कम कर सकते हैं. ये रेसिस्टेंट कल्टीवार्स हैं शरद, जवाहर, मालवीय अरहर 2, C11, पूसा 9, नरेंद्र अरहर 1 और बिरसा अरहर 1. दूसरा सीरियस प्रॉब्लम जो है अरहर में स्टेम ब्लाइट डिजीज़ या फाइटोप्थोरा ब्लाइट डिजीज़ का होता है. ये बीमारी जो है ये मेच्योर प्लांट में बेसल पोर्शन पे, जो बेस का पोर्शन, नीचे का पोर्शन जो होता है स्टेम का पोर्शन, उसी पे ये डिजीज़ रिस्ट्रिक्टेड होता है. ये डिजीज़ का इंसिडेंस हमको किस तरह से दिखाई देगा फील्ड पे? आप जो इसका बार्क होता है प्लांट का, वो सबसे पहले ब्राउन होने लगता है और वहाँ पर का टिश्यू जो है वो रॉट करने लगता है. टिश्यू के रॉट करने से स्टेम जो है वो कोलैप्स कर जाता है जहाँ पर से इन्फेक्शन हुआ. इस तरह से हम देखेंगे कि अरहर के फील्ड पर टूटे हुए प्लांट हमको मिलते हैं. ये बीमारी उन्हीं फील्ड पर होती है जहाँ पर कि बारिश, जैसे ये बीमारी का, इस डिजीज़ का इंसिडेंस हमको सबसे ज़्यादा जुलाई के मंथ पे दिखता है, जबकि काफ़ी बारिश होती है और जहाँ पे पानी का जमाव हो जाता है फील्ड पर, वहाँ पर इस रोग का इंसिडेंस हम लोग को देखने को मिलता है. ये फाइटोप्थोरा भी सॉयल बॉर्न पैथोजन है. इस रोग से बचाने के लिए हम लोग को
मिक्स क्रॉपिंग करना है उड़द और मूंग का। और जब भी हम अरहर की खेती करेंगे तो उसको हम रिजेस में लगाएंगे, मेड़ बना करके लगाएंगे, तो इस डिजीज़ का इंसिडेंस जो होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा अगर इस डिजीज़ का प्रॉब्लम है तो आप बताएंगे कि सीड ट्रीटमेंट, जहाँ वहाँ पे हमने विल्ट के केस में सीड ट्रीटमेंट किया था कार्बन डाइजिम से, यहाँ पे हमें सीड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा रिडोमिल MZ से। और इसकी मात्रा होनी चाहिए 7 ग्राम रिडोमिल पर केजी ऑफ सीड। इसके अलावा जैसे हमको फील्ड में इस तरह का इंसिडेंस दिखता है, हम सजेस्ट करेंगे सॉयल ड्रेंचिंग करने के लिए। सॉयल ड्रेंचिंग का मतलब होता है कि हमें दवा को घोल बना करके पौधे के जड़ के पास में डालना होगा। अगर हम ड्रेंचिंग करेंगे तो दवा की मात्रा होनी चाहिए 2 ग्राम रिडोमिल MZ दवा प्रति लीटर पानी में पर लीटर ऑफ वाटर। तीसरा मुख्य जो डिजीज़ होता है वो होता है स्टरलिटी मोज़ेक। ये एक वायरल डिजीज़ है। जैसा कि हम जानते हैं कि वायरल डिजीज़ होने के चलते इसका सिम्टम हमको बुशी पेल ग्रीन अपीयरेंस के रूप में प्लांट में दिखाई देता है। जिस भी प्लांट में ये डिजीज़ आता है उस पर एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ होने लग जाती है, प्लांट का ग्रोथ जो है वो कम होने लग जाता, प्लांट स्टंटेड हो जाता है और हमें प्रोमिनेंट मोज़ेक लीव्स में दिखने लगते हैं, और ये मोज़ेक वाले लीव्स जो हैं वो साइज़ में छोटे हो जाते हैं। इस डिजीज़ से मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहला काम हमको करना है कि जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं इसको हमको उखाड़ करके इसको डिस्ट्रॉय कर देना है, पहला काम। दूसरा काम ये है कि हमको सॉयल में कार्बोफ्यूरॉन, जो कि इसको 40 केजी कार्बोफ्यूरॉन पर हेक्टर के मात्रा से, या तो टीमिक एट द रेट ऑफ 15 केजी पर हेक्टर इसको सॉयल एप्लीकेशन करना है। इसके अलावा हम ये एक्रेसाइड का स्प्रे करेंगे। जैसे डिजीज़ हमको दिखता है फील्ड पर एक्रेसाइड का स्प्रे करेंगे। इसके अलावा कुछ रेसिस्टेंट जीनोटाइप्स हैं, जैसे कि VR3, DA11, बहार, DA32। नेक्स्ट इज वेब ब्लाइट इन ओर देन मूंग बीन। वेब ब्लाइट का सिम्टम हमको सबसे पहले स्मॉल सर्कुलर इरेगुलर वाटर सॉक डैम्प स्पॉट के रूप में लीफलेट में दिखाई देता है। जिस भी लीफलेट में इस तरह का सिम्टम दिखेगा उसके ठीक नीचे की तरफ हमें स्पाइडर वेब के जैसा माइसीलियम का ग्रोथ हम इन्फेक्टेड प्लांट में पाते हैं। ये डिजीज़ का इंसिडेंट सबसे ज़्यादा हमारे उर्द और मूंग में, झारखंड में दिखता है। इस डिजीज़ से मैनेजमेंट के लिए, कंट्रोल के लिए हमको इंटरक्रॉपिंग करना चाहिए अपलैंड राइस या रागी के साथ में उर्द और मूंग को। इसके अलावा हम सॉयल एप्लीकेशन करेंगे फील्ड में करंज केक का 2 क्विंटल पर हेक्टर के रेट से। और जैसे डिजीज़ का इंसिडेंस दिखता है फोलियर स्प्रे करेंगे कंटाफ से। कंटाफ जो है वो लेना चाहिए 1 ग्राम कंटाफ पर लीटर ऑफ वाटर में। नेक्स्ट डिजीज़ जो है ये उर्द और मूंग में सरकोसपुरा लीफ स्पॉट के रूप में दिखता है। ये लीफ स्पॉट जो है ये ब्राउन कलर के लीफ स्पॉट बनते हैं, जिसका कि सेंटर ग्रेइश कलर का होता है और इसका बॉर्डर जो है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये स्पॉट्स जो हैं बहुत ज़्यादा संख्या में लीफ पे हो जाते हैं फ्लावरिंग के समय और पॉड फॉर्मेशन के समय, जिसके चलते कि लीफ जो है वो डिफोलिएट कर जाते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस उसमें रिस्ट्रिक्ट होता है और ये लीफ जो है वो डिफोलिएट कर जाते हैं, जिससे कि यील्ड में काफ़ी लॉस होता है। इस डिजीज़ से मैनेजमेंट के लिए हमको करना चाहिए क्रॉप रोटेशन, और जितना भी इन्फेक्टेड क्रॉप डेब्रिस है इसको हमको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। यहाँ पे अगर इस तरह का इंसिडेंस फील्ड पे दिखता है तो हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे थीराम या कैप्टान से 2.5 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। जैसे ही हमें इस तरह का डिजीज़ दिखता है फील्ड में हम स्प्रे करेंगे कार्बेंडाजिम एट द रेट ऑफ 0.1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, और या तो मैनकोजेब
मैनकोजिब और इंडोफिल M45 का स्प्रे करेंगे और इसका डोज होना चाहिए 2 ग्राम फंजीसाइड पर लीटर ऑफ वाटर। अगर मूंग में इस तरह का डिजीज़ का इंसिडेंस दिखता है तो कुछ रेसिस्टेंट कल्टीवार्स हैं जैसे कि LM113, LM168, LM170, JM171 और उर्द बीन में कल्टीवार्स हैं जवाहर उर्द 3, गुजरात उर्द 1, बरखा नवीन। दूसरा मुख्य बीमारी जो उर्द और मूंग में हमको दिखता है वो पाउडरी मिल्ड्यू होता है, जैसा कि पाउडरी मिल्ड्यू नाम है। सबसे पहले हमको लीफ में ये डिजीज़ जो है वो इसके फोलिएज पे आता है और डिजीज़ जो है वो फेंट डार्क स्पॉट के रूप में सबसे पहले इनिशिएट होता है, जिसमें कि स्मॉल वाइट पाउडरी स्पॉट्स बनने लग जाते हैं। ये स्पॉट पूरे स्टेम को, लीफ को और पॉड को कवर कर देते हैं, जिससे कि फोटोसिंथेसिस जो लीफ में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इससे हमको मैनेजमेंट के लिए हम इसमें क्या करेंगे, डिले शोइंग करेंगे उर्द और मूंग का, और जो भी शोइंग करेंगे वो उसका स्पेसिंग जो है वो वाइडर रखेंगे। जनरली हम लोग 10 सेंटीमीटर में प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस रखते हैं, इसको हम लोग वाइडर रखेंगे। दूसरा काम ये करेंगे, स्प्रे करेंगे नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट एट द रेट 50 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, या तो नीम ऑयल एट द रेट 20 ml पर लीटर ऑफ वाटर 10 दिन के अंतराल पे, जैसे ही हमें डिजीज़ दिखता है। ये तो हो गया ऑर्गेनिकली अगर हम लोग इसको ग्रो कर रहे हैं। अगर हमें फंजीसाइड स्प्रे करना है तो हम लोग वाटर सॉल्यूबल सल्फर का स्प्रे करेंगे और इसमें इसका डोज होना चाहिए 4 ग्राम फंजीसाइड पर लीटर ऑफ वाटर। कुछ रेसिस्टेंट कल्टीवार्स हैं मूंग में जैसे LM223, LM24, P115, ML337 इन उर्द बीन। सम रेसिस्टेंट कल्टीवार्स फॉर पाउडरी मिल्ड्यू डिजीजेज आर प्रभा COBG10, LPG648। इन उर्द एंड मूंग वन इम्पॉर्टेंट वायरल डिजीजेज येलो मोजाइक, जैसा कि इसका नाम है, ये येलो मोजाइक जो सबसे टेंडर लीव्स होते हैं उसी पर दिखाई देते हैं और समय के साथ में ये पूरे पत्तियों पर, पहले तो टेंडर लीव से शुरू होते हैं लेकिन फिर धीरे धीरे ये कंप्लीट येलोइंग पूरे उस फोलिएज पे कर देते हैं, जिससे कि फ्लावरिंग जो होती है वो उस पर कम हो जाती है और पॉड का डेवलपमेंट भी, पॉड का फॉर्मेशन भी कम हो जाता है। ये मूंग बीन येलो मोज़ेक वायरस से होता है, जो कि ट्रांसमिट होता है वाइट फ्लाई से, बिमीसिया टबैसी से। इसके मैनेजमेंट के लिए मूंग में रेसिस्टेंट कल्टीवार्स हैं जैसे नरेंद्र मूंग 1, पंत मूंग 3, PDM या सम्राट PDM139, और ये सम्राट के नाम से मिलता है, पूसा 105। उर्द में बीन अगर हम लगा रहे हैं तो उसमें रेसिस्टेंट कल्टीवार्स है नरेंद्र उर्द 1, IPU94-1 जिसको कि उत्तरा के नाम से है, पंत यू उर्द बीन 19, पंत उर्द बीन 30। जितने भी डिजीज्ड प्लांट हैं, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हम करेंगे तो जितने भी डिजीज इन्फेक्टेड प्लांट हैं उसको हमको शुरू में, जैसे हमको इन्फेक्टेड प्लांट कम ही दिखते हैं पूरे फील्ड पे, 5 प्लांट में इन्फेक्शन होगा तो इसको हमको उखाड़ करके इसको डिस्ट्रॉय कर देना है। और वाइट फ्लाई का इंसिडेंस को कम करने के लिए हम लोग स्प्रे करेंगे ट्राइजोफॉस एट द रेट ऑफ 2.0 ml पर लीटर ऑफ वाटर और मलाथियान एट द रेट 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर और ऑक्सीडेमिटॉन मिथाइल एट द रेट 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर एट 10-15 days interval। अनदर इम्पॉर्टेंट वायरल डिजीज ऑफ उर्द एंड मूंग इज
लीफ क्रिंकल, जैसे कि इसका नाम है क्रिंकलिंग कर्लिंग पकरिंग ऑफ लीफ, इसका सिम्टम है, जिससे कि प्लांट, ये सब सिम्टम के साथ में प्लांट जो है वो स्टंटेड रह जाता है और फ्लोरल ऑर्गन्स जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो भी मालफॉर्म्ड हो जाता है। ये उर्द बीन लीफ क्रिंकल वायरस से ट्रांसमिट होता है, इसका कॉजल एजेंट है जो कि ट्रांसमिट होते हैं दो तीन इंसेक्ट से, जैसे कि एफिड, वाइट फ्लाई, लीफ हॉपर, और सैप के थ्रू भी इसका ट्रांसफ़र होता है। जैसे जो भी सबसे पहला हम काम करेंगे, जो भी डिजीज्ड इन्फेक्टेड क्रॉप्स हैं उसका सीड हम लोग शोइंग में नहीं यूज़ करेंगे। जब भी हम सीड लगा रहे हैं तो उसको इमिडाक्लोप्रिड 5 ml पर kg के हिसाब से उसको ट्रीट कर लेंगे। जो इन्फेक्टेड प्लांट हमको फील्ड पर दिखते हैं उसको हम लोग उखाड़ेंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और जैसे ही हमको फील्ड पर डिजीज़ का इंसिडेंस दिखता है, चूँकि ये इंसेक्ट से ट्रांसमिट होता है इसीलिए हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेंगे, डाई मिथोएट एट द रेट 1.7 ml पर लीटर ऑफ वाटर ऑन 30 डेज आफ्टर शोइंग। कुछ रेसिस्टेंट कल्टीवार्स हैं, जैसे मूंग में लीफ क्रिंकल अगर फील्ड पर आता है तो हम कुछ रेसिस्टेंट कल्टीवार ग्रो करेंगे, जैसे ML26, RI59, T44। उर्द बीन में हम यूज़ करेंगे HUP27102164 एक्सेट्रा। ये तो हो गए खरीफ के पल्सेस। अब रबी में हमारे झारखंड में मेनली हम लोग चिकपी और लेंटिल जो है वो ग्रो करते हैं। चिकपी में मेनली यहाँ पे रूट रॉट, विल्ट, अल्टरनेरिया ब्लाइट, एस्कोकाइटा ब्लाइट और बुट्राइटिस ग्रीन मोल्ड का प्रॉब्लम होता है। वहीं पे लेंटिल में विल्ट, एस्कोकाइटा ब्लाइट, बुट्राइटिस ग्रीन मोल्ड और रस्ट का प्रॉब्लम फील्ड पे देखा जाता है। सबसे पहले चिकपी में रूट रॉट जो है ये कॉलर रॉट सबसे पहले आता है, वो उसी एरिया पे आता है जब हम धान के खेत में जब किसान चिकपी ग्रो करते हैं तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, या तो फिर इरिगेटेड कंडीशन में अगर चना लगाया जा रहा है तो ये प्रॉब्लम सबसे पहले दिखाई देता है। ये जो डिजीज़ है वो 28 से 31 month old प्लांट, मतलब 30 दिन का जब पौधा होता है तो उस समय ये सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होता है कॉलर रॉट का इन्फेक्शन के लिए। इसमें जो कॉलर रीजन है वो वहीं पर जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है और रॉट कर जाता है। ये डिजीज़ जैसे फील्ड पर आता है तो प्लांट का पॉपुलेशन जो है, क्योंकि ये सीडलिंग स्टेज में भी में ही आता है, इसलिए प्लांट का पॉपुलेशन फील्ड में इस डिजीज़ के चलते बहुत कम हो जाता है। इसके मैनेजमेंट के लिए हम लोगों को फील्ड पे कंपोस्ट यूज़ करना है 5 ton पर हेक्टेयर। शोइंग जो हम करते हैं चना का अक्टूबर नवंबर के महीने में, इसको हमको डिले करना है और फिर इस डिजीज़ से बचाने के लिए सीड ट्रीटमेंट हम लोग को करना है विटावैक्स पावर का, और फंजीसाइड लेंगे 2 gram फंजीसाइड पर kg ऑफ वाटर में, पर kg ऑफ सीड में। और जैसे ही फील्ड पर इस तरह का इंसिडेंस दिखता है हम इसको सॉइल ड्रेंचिंग भी करेंगे तो विटावैक्स पावर से करेंगे, और इसमें डोज होना चाहिए 2 gram दवा प्रति लीटर ऑफ पानी। दूसरा मेन डिजीज़ है ड्राई रूट रॉट। ड्राई रूट रॉट में क्या होता है, अचानक से पौधा जो है ये सूखने लग जाता है, लीफ और स्टेम जो है अफेक्टेड प्लांट के ये पीले रंग के होने लगते हैं, स्ट्रॉ कलर के, पुआल के रंग के होने लगते हैं। इसमें प्लांट में किसी तरह का ड्रूपिंग अपीयरेंस, जैसा हम लोग विल्ट में देखते हैं कि अचानक से सारा का सारा पत्ती ड्रूप कर जाना, ये इस तरह का इस पर नहीं देखा जाता है। ड्राई रूट रॉट में होता यह है कि टैप रूट जो होता है वो बहुत ब्रिटल हो जाता है, और उसमें से जो उसके जो एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं और दूसरे छोटे छोटे जो रूट्स होते हैं वो उखड़ जाते हैं। जैसे आप
ऊपर से देखेंगे तो विल्ट का सिम्टम और ड्राई रूट रॉट का सिम्टम एक ही दिखाई देता है, लेकिन जैसे हम इसको पुल करेंगे प्लांट को और उसके रूट को हम देखेंगे तो ड्राई रूट रॉट में सिंगल टैप रूट ही हमारे प्लांट पे रहता है और जो एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं वो वहाँ से हट जाते हैं, यही इसका पहचान है। और जैसा मैंने अरहर के केस में बताया था कि विल्ट में हम लोग जाइलम वेसल को जैसे स्प्लिट ओपन करते हैं तो ब्लैक कलर का डिसकलरेशन होता है, इस तरह से हम लोग ड्राई रूट रॉट और विल्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर ड्राई रूट रॉट फील्ड पे दिखता है चिकपी के फील्ड पर तो पहले हमको क्या करना है, सी ट्रीटमेंट करना है कार्बेंडाजिम से या कार्बोक्सिन और थीरम से। अगर कार्बेंडाजिम यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग लेंगे 1 ग्राम फंजीसाइड पर केजी ऑफ सीड। कार्बोक्सिन और थीरम यूज़ कर रहे हैं तो हम लेंगे 2 ग्राम कार्बोक्सिन और थीरम पर केजी ऑफ सीड। अगर बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा से हम लोग सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम लोग लेंगे 4 ग्राम बायो कंट्रोल एजेंट पर केजी ऑफ सीड। इसके अलावा कुछ रेसिस्टेंट कल्टीवार्स हैं चना में जिसमें कि ड्राई रूट रॉट का प्रॉब्लम कम होता है, जैसे आलोक, पूसा 240, पूसा 244, वंदना, विजय एक्सेट्रा। जैसा कि बताया ड्राई रूट रॉट के अलावा विल्ट जो है ये मेजर प्रॉब्लम चना में रहता है। इसका चीफ सिम्टम्स होता है ड्रूपिंग ऑफ पिट्यूल्स एंड रैचेस फॉलोड बाय येलोइंग एंड ड्राइंग ऑफ लीव्स एंड फाइनली दी विल्टिंग ऑफ प्लांट। इसके मैनेजमेंट के लिए हमको सबसे पहले फील्ड पर कंपोस्ट यूज़ करना होगा 5 टन पर केजी। क्रॉप रोटेशन हर 3 साल के बाद में करना होगा। मिक्स क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग हम मस्टर्ड या लिनसिड के साथ में कर सकते हैं। जब भी हम चना लगाते हैं और इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो हमको सीड ट्रीटमेंट करना है 2 ग्राम थीरम और 1 ग्राम बेवेस्टिन पर केजी के सीड के हिसाब से। इसके अलावा रेसिस्टेंट वेराइटी जो है वो जेजी 315 हम यूज़ कर सकते हैं, पूसा 256 यूज़ कर सकते हैं, गुजरात ग्राम वंदन यूज़ कर सकते हैं, पूसा 362 यूज़ कर सकते हैं। चना के बाद नेक्स्ट हमारा रबी क्रॉप होता है लेंटिल। जैसा चना में विल्ट का प्रॉब्लम होता है उसी तरह से लेंटिल में भी विल्ट का प्रॉब्लम आता है। इस पर भी हम लोग उसी तरह से देखते हैं सडन ड्रूपिंग फॉलोड बाय ड्राइंग ऑफ लीव्स एंड डेथ ऑफ वोल सीडलिंग। रूट सिस्टम इस पर हेल्दी दिखता है बट विथ रिड्यूस्ड प्रोलिफरेशन एंड नोड्यूलेशन रेट। अब इसके मैनेजमेंट के लिए अर्ली शोइंग को हमको अवॉइड करना होगा। 2 से 3 साल का क्रॉप रोटेशन हम अडॉप्ट करेंगे। सीड ट्रीटमेंट करेंगे लेंटिल का भी कार्बेंडाजिम से। डोज होना चाहिए 1 ग्राम फंजीसाइड पर केजी ऑफ सीड। इसके अलावा रेसिस्टेंट कल्टीवार्स है पंथ 4-406 जो कि विल्ट के लिए रेसिस्टेंट कल्टीवार्स माना जाता है। चना में इसके अलावा स्टेम रॉट का भी प्रॉब्लम होता है। स्टेम रॉट इन्फेक्शन 2 तरह से आता है। पहला है स्टेम इन्फेक्शन जिसमें कि स्टेम विल्ट कर जाता है और उसमें ब्रेकिंग हो जाता है। दूसरा क्राउन इन्फेक्शन होता है जो कि सॉयल के पास होता है, वाइट कलर का फंगल ग्रोथ उस पर दिखाई देता है और पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है। दूसरा प्रॉब्लम चना में हम लोग अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट के रूप में देखते हैं। ये सीड और सॉयल बॉर्न डिजीज़ है जो कि फ्लावरिंग और पॉड फॉर्मेशन के समय आता है। अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट जो है जनरली हमको ओल्डर लीव्स जो होते हैं वहाँ पे दिखाई देता है और ये सिम्टम जो है लीफ के मार्जिन से शुरू होता है या टिप से पेल ब्राउन लीजन्स के रूप में शुरू होता है। और इस तरह का सिम्टम आने से जो लीव्स होते हैं वो टोटली वहाँ से गिर जाते हैं, प्लांट से गिर जाते हैं और पॉड का फॉर्मेशन इस पर नहीं हो पाता है। इसके मैनेजमेंट के लिए हमको सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए कार्बेंडाजिम से 1 ग्राम कार्बेंडाजिम पर केजी ऑफ सीड। अगर इस तरह का इंसिडेंस हमको फील्ड पर दिखता है तो हम फंजीसाइडल स्प्रे करेंगे मैनकोजेब से। डोज होना चाहिए 2 ग्राम मैनकोजेब पर लीटर ऑफ पानी वाटर।
एस्कोकाइटा ब्लाइट चना में, लीफ में और पॉड में इसका इंसिडेंस हमको देखने को मिलता है। लीफ में राउंड स्पॉट्स बनते हैं विथ डार्क ब्राउन मार्जिन एंड लाइट ग्रे सेंटर दैट कंटेन्स डार्क ब्राउन स्फेरिकल और पियर शेप पिकनीडिया। पिकनीडिया का फॉर्मेशन इस पर आराम से हमको जो सेंटर है उस पर दिखाई देता, वही इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स भी होता है। एस्कोकाइटा ब्लाइट इन लेंटिल हम ऑब्जर्व करते हैं लीफ में, स्टेम में, पॉड में एंड प्री मेच्योर लीफ ड्रॉप ब्रांच टिप विदर एंड स्टेम ब्रेकेज। Lesions appear firstly as pale green or white in color and turn to light tan with age. On pod, lesions are round, oblong or irregular and form 1.5 to 2.5 millimeter in diameter. For the management of Escochyta blight in linseed, delay showing date, wider row and plant spacing, intercropping with wheat and barley, practice crop rotation with mustard, wheat, barley, use pathogen free seed and seed treatment with fungicide like Calexin M, foliar spray with Kantaf or Indofil M45 or Kavach, and grow some resistant variety like Gaurav, Samrat, Pusa 261, Pusa 372. Botrytis grey mold is another important disease of chickpea and the pathogen attack all the aerial parts of the plant with growing tips and flowers. The symptoms of botrytis grey mold appear first as water-soaked lesions on the stem, branches, leaves, flowers and pods which turn into grey or dark brown lesions covered with erect hairy sporophore and masses of hyaline spores. Infection first develop on flower and pod or on the lower foliage of established plant as dark green lesions that become pale tan color spots. Infected leaves wilt and are shed. If the canopy remain humid, humid, light brown or blanched stem lesions develop which later cover with grey mold pathogen. For the management of botrytis grey mold, cultural practices like late showing, wider row spacing, use erect and compact variety, intercropping with linseed or wheat, avoiding excessive vegetative growth and irrigation. Seed treatment with fungicides like Carbendazim Thiram or Carbendazim Alone or Indofil M45 reduces the seed-borne inoculum. Then foliar spray with Carbendazim Thiram or Carbendazim at the rate of 2.5 kg in 1000 liter of water. Rust of chickpea is another problem in spring than in winter showing crop. Pustules appear first as a small round brown spots. Defoliation result from severe infection. For the management of rust, foliar spray with propiconazole or chlorothalonil at the rate of 0.1%. This is the symptom of rust of linseed. All the above parts of the lentil are susceptible to infection of rust. It usually started at low laying areas of the field and spread to other areas. Symptoms started as yellowish white pycnidia and acr cup on the leaflet and on pod singly or in small groups in a circular form. For the management of rust, use clean seed without contaminant
contamination. Then seed treatment with Vigil, foliar spray with the Endofill M45 or Entracol at the initiation of disease. Next is powdery mildew. In lentil, the pathogen form white spot on leaf surface. Heavy infection become chlorotic, then curd. In heavy infection, leaf become chlorotic and curled, and yield can decline and plant sometime die. For the management of powdery mildew, foliar spray with Benomine at the rate 1 ml per liter of water.